पॉपुलेशन क्या है बताओ भाई? अर्शद क्या है पॉपुलेशन? सर व्हेन अ स्पीशीज, सर मैं मतलब एकदम करेक्ट वो कोट नहीं कर पाऊँ, लेकिन जब एक स्पीशीज एक स्पेसिफाइड एरिया में मतलब एलेवेंथ में मैंने बताया था ना कि स्पीशीज क्या होती है, वो चीज जो आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। तो इंटरब्रीडिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही स्पीशीज के होते हैं, है ना? तो आपस में जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म। अब पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज के लोगों के नंबर, है ना? तो सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन गिवन एरिया। तो देखो पर्टिकुलर एरिया में जितने एक ही स्पीसीज के जितने सारे लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। अभी ह्यूमन पॉपुलेशन आप लोग निकालते हो तो क्या बोलते हो? ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या, अपन ह्यूमन को ही तो काउंट करते हैं ना, तो ह्यूमन क्या है? एक स्पीसीज होती है। लेकिन यहाँ पे आगे हम लोग जब थोड़ा सा और चढ़ेंगे तो आप देखेंगे पॉपुलेशन क्या होती है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक टर्म्स आपको बता रहा हूँ। पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी। सो व्हाट इज कम्युनिटी, कौन बताएगा कम्युनिटी क्या होती? अलीना क्या होती कम्युनिटी? कम्युनिटी क्या होती भाई, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज कम्युनिटी? आर्यन क्या होती कम्युनिटी, बताओ बेटा? बोलो कम्युनिटी क्या होती है? सर प्रिसाइसली नहीं पता, बट कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन मतलब एक प्रॉप मतलब एक सेम तरह की पॉपुलेशन का साथ रहना जो एक सेम तरह के बिलीफ को फॉलो करती है। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, जब हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं तो कम्युनिटी क्या होती है कि कई सारी तरह की पॉपुलेशन। तो कई पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? हम लोग कम्युनिटी, तो आप देखो जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ा ना, तो हमने कहा कि इंसान ने कम्युनिटी लाइफ जीना शुरू कर दिया। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरह की स्पीसीज का कॉम्बिनेशन। हम जिसको कम्युनिटी समझते हैं मतलब नॉर्मल टर्म्स में, वो कम्युनिटी अलग चीज है। ठीक है, तो कम्युनिटी का क्या मतलब होता है कि हम रहते हैं, अब मैं रह रहा हूं तो बाहर कुत्ते रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने गाय पाल रखी है, मैंने एक पैरट पाल रखा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं, पैरट, डॉग, काउज, है ना, सब मिला करके हम लोग क्या हो गए, हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं। तो अब है ना, मंकी ऊपर पेड़ पे बैठे हुए हैं, वो आते हैं फल तोड़ते हैं, सब कम्युनिटी में, हम आप अकेले रह ही नहीं सकते। तो ये बहुत सारी पॉपुलेशन को मिलाकर के क्या बनती है? कम्युनिटी। नोट करेंगे, इट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन एरिया, इन गिवन एरिया। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, नेट चलेगा। इट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन एरिया। अब देखो आ जाते हैं हम लोग कि इकोलॉजी को हमने कितने लेवल में डिवाइड किया हुआ है ना। तो इकोलॉजी के फोर लेवल्स है हमारी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी है फोर लेवल। तो सबसे पहला लेवल क्या है इकोलॉजी में? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है, इंडिविजुअल प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। सेकेंड नंबर पर क्या आता है? पॉपुलेशन। तो एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर थर्ड लेवल पे क्या आता है? कम्युनिटी। हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारी पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है।
चौथे नंबर पर आता है बायोम। अब बायोम क्या चीज, बायोम भाई साहब दो चीजें मिलकर के बनाती है, दो चीजें मिलकर बायोम बनाती है, किसी भी पर्टिकुलर जगह का बायोम है ना, वो क्या क्या चीजें हैं। तो पहली चीज है टेम्परेचर और दूसरी चीज है क्या, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब हुआ, प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ किसी भी फॉर्म में वाटर का गिरना, ठीक है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, चाहे वो इसके मॉइस्चर के फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर ड्रॉपलेट के रेन के फॉर्म में हो, तो प्रेसिपिटेशन में किसी भी तरह के वाटर का गिरना है ना। ये मिलकर के, ये दो चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के किसी पर्टिकुलर बायोम का क्रिएशन करते हैं। आप समझो, देखो ये चैप्टर तो आपके इसमें भी है, क्या कहते हैं, इस वाले एग्जाम में भी है ना, बोर्ड के एग्जाम में भी है, इसलिए ध्यान से पढ़ना ना। बायो में आपको बताता हूँ, एक डायग्राम है आपके एनसीईआरटी, ठीक है, वो डायग्राम भाई साहब जरूर से आप लोग ये कर लीजिएगा, याद रखिएगा उसको, रट ही लेना, तो पूछा जाता है बायोम और आपको बनाना भी पड़ेगा है ना। तो चलो पहले मैं आपको बायोम बता देता हूँ, बायोम क्या है, बायोम तो बायोम में वो डायग्राम पहले मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सर जो अभी आपने ये चार चीजें लिखवाई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोलॉजी है या फिर ये हायरार्की है इनकी, हायरार्की है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, ठीक है ना। मिल गया डायग्राम, मैं आपको डायग्राम, देखो बायोम कैसे बनता है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपको ये 3 मार्क्स में बनाने के लिए आ सकता है, और आपको ये लिखने के लिए भी आ सकता है ना। तो ये ग्राफ जरूर से आप याद रखना। अब बायोम कैसे बनता है, तो राजस्थान वाला जो एरिया है ना, मैं यहीं से समझाना, चलो अभी पहले पहले बताता हूँ, राजस्थान वाला जो एरिया है ना, वहां पे बारिश कम होती है और टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है ना, कंडीशन जी ऐसी है। तो टेम्परेचर हाई और बारिश का ना होना, तो जिससे क्या हुआ, एक थार वाला जो एरिया क्रिएट हो गया, वो अपने आप में बायोम। आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट होती हैं, वो दो चीजें ही करती हैं, एक तो वाटर, दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर। तो थार अपने आप में एक बायोम, उस बायोम में रहने वाले दो चीजें होंगी प्लांट, मेजर दो चीजें होंगी प्लांट और एनिमल। अब चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाएंगे जिनमें वाटर स्टोर करने की कैपेबिलिटी पाई जाए। देखो एनिमल लाइट कलर के होंगे, कान उनके बड़े होंगे, ठीक है, हेयर्स उनके क्या होंगे, छोटे छोटे हेयर्स होंगे, बड़े हेयर वाले कभी एनिमल नहीं पाए जाते, कैमल लाइट कलर होता है, छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, वाटर स्टोर करने की कैपेबिलिटी और वाटर के मेटाबॉलिज्म की कैपेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। रैट पाए जाते हैं, वो फैट को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही कैमल में, वो भी अपने हम्प में स्टोर फैट को वाटर में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी। प्लांट लीव्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पाइन में, देख लो कैक्टस। स्टोमेटा जो होंगे संकन होंगे, मतलब अंदर की तरफ ढके होंगे, गड्ढे में होंगे स्टोमेटा, नाइट में ओपन होते हैं स्टोमेटा। ऐसी जगह पे नॉक्टर्नल एनिमल बहुत सारे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप देखो रात में निकलने वाले बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे डिजर्ट्स, ठीक है। तो वहां पे पर्टिकुलर जो बायोम होगा, बायोम दो चीज डिफाइन करेगी, क्या, प्रेसिपिटेशन और दूसरा टेम्परेचर, और बायोम के अकॉर्डिंग एडेप्टेड क्या होंगे, एनिमल्स और प्लांट होंगे। तो वहां का फ्लोरा और फोना कौन डिफाइन करेगा, बायोम डिफाइन करेगा, और बायोम कौन डिफाइन करेगा, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर डिफाइन करेगा। अब देख लेते हैं, अब नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर इस वाले डायमेंशन में, इस वाले में यहाँ पर दिया हुआ है का मीन प्रेसिपिट एनुअल प्रेसिपिटेशन है ना, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर। अब ये के सेंटीमीटर में बारिश को कैसे काउंट करते हैं, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे रेन को काउंट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, आज काफी सारे लोग आए हैं और काफी सारे लोग गायब रहते हैं इस बैच में, ऐसा क्यों ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है सब लोग रेगुलर क्यों नहीं आते हो भाई, रेगुलर रहा करो सब लोग, तो बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं।
कुछ लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं, अलीना इज रेगुलर, हर्षित इज रेगुलर, आर्यन भी आता है, कुछ लोग गायब रहते हैं, क्या इंशिया है ना, और कौन गायब रहता है, मरियम रेगुलर नहीं रहते हो ना आप भी? सर रहती हूँ। रहते हो जी। देखो आप कैसे नापते हैं बारिश सेंटीमीटर में, नापने क्या मतलब हुआ, बारिश को कैसे सेंटीमीटर में नाप सकते? देखो ऐसे करता है, बारिश के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है, एक रेन गेज रखती है। रेन गेज एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का होता है, और आपने देखा होगा आपके स्कूल में बीकर होते हैं वो, और उन बीकर में लास्ट एक तरफ स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर बने हुए होते हैं। तो कुछ नहीं, बारिश हो रही है अभी बाहर, बारिश वो रेन गेज रखा होता है, उसमें बारिश इकट्ठा हो रही है, कितने सेंटीमीटर भर गया उसको नोट कर लिया कि आज के डेट में बारिश हुई, दिन भर में इतने सेंटीमीटर भर गया, दिन में 10 बार बारिश हुई, 10 बार भरेगा, और 10वीं बार क्या हुआ इकट्ठा, जब आखिरी में एट द एंड ऑफ डे उसको नोट किया जाएगा पूरे दिन भर में इतनी बारिश हुई। फिर क्या करते हैं, इस तरह के पैटर्न में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले पूरे साल भर काउंट करते थे, साल के आखिरी में क्या करते हैं उसको एवरेज निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड करके। अब एवरेज निकालने से पता लग गया कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती पूरे साल भर, है ना, इस तरह से रेनफॉल सेंटीमीटर में निकाली जाती। अब यहाँ पर आप ऊपर वाले इस वाले उसमें देख रहे होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर दिया है सेंटीमीटर में। अब ये भी क्या है, मीन एनुअल टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर दिन में 2 बार नापते हैं मेनली, ठीक है, हाईएस्ट और लीस्ट टेम्परेचर, रात में बहुत लीस्ट चला जाएगा, हाईएस्ट दिन में चला जाएगा, तो पूरे 24 घंटे का उसका एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे करके पूरे साल भर का एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं, सर्दियों में बहुत लो रहता है, गर्मियों में बहुत हाई रहता है, बारिश में मॉडरेट रहता है, तो ऐसे टेम्परेचर पूरा एनुअल टेम्परेचर निकाल लिया जाता है, मीन एनुअल। अब यहां पर देखो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश थार वाले एरिया में ही होता है, लेकिन क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, एवरेज टेम्परेचर पौधे को एवरेज टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 सेंटीग्रेड के आसपास यहां तक, है ना। तो यहां पर देखिए माइनस, सर्दियों में -5 और यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर, तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हाई है और बारिश बहुत कम है, तो क्या बनेंगे, डिजर्ट बायोम बन गया, देख लो, है ना, ये देखो। अब ऐसे नीचे की तरफ आ जाओ, बारिश हो रही है 100 सेंटीमीटर से कम और टेम्परेचर 0 से कम है, एवरेज टेम्परेचर 0 से कम, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, लेह लद्दाख में ऐसे ही होता है। देखो ले लद्दाख में आप देखते हो कि बारिश क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है, 50-75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, 70-50 से भी कम बारिश होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। क्यों भाई डेजर्ट, भाई डेजर्ट तो वो जगह है जहां पे प्लांट और एनिमल दोनों के लिए वाटर अवेलेबल ना हो, सेम विद द लद्दाख, वहां पर भी क्या है कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि ना प्लांट के लिए अवेलेबल है, सब आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ना ही एनिमल के लिए वाटर अवेलेबल है ना, तो इसीलिए उनको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, और वैसे वहां पे एनिमल और ह्यूमंस पाए जाते हैं। तो देखिए बारिश कम है, टेम्परेचर लो है, तो कोल्ड डेजर्ट, और बारिश कम है लेकिन टेम्परेचर हाई है तो हॉट डेजर्ट। अब देखो यहां पर आते हैं, बारिश तो हो रही है कहां पे, ये देखो यहां पे कितनी हो रही है, 250 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, टेम्परेचर एवरेज कितना है सर्दियों में, यही 0 से 5 के बीच, और ऊपर क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। कोनिफर्स पाए जाएंगे, कोनिफर फॉरेस्ट, ये कहां की, ये कहां का डियर देख है, ये आपका हिमाचल उत्तराखंड, कोनिफर्स फॉरेस्ट, कोनिफर देखो पाए जाते हैं, है ना, तो वहां पर कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बारिश बहुत होती है, देखो कितनी ढेर सारी बारिश हो रही है, 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, और टेम्परेचर मॉडरेट, सर्दियों में थोड़ा एवरेज कम रहता है और गर्मियों में एवरेज ज्यादा रहता है ना, लेकिन ये 15 डिग्री से गर्मियों में भी कम रहता है, तो ये देखो कोनिफेरस फॉरेस्ट होंगे, थर्ड वाला बायोम क्रिएट हो गया। चौथा आ जाते हैं 200 सेंटीमीटर बारिश और टेम्परेचर हमेशा एवरेज टेम्परेचर हाई रहेगा, देखो यहाँ पे 10 से लेकर के 22-23 डिग्री के बीच में यूपी बिहार सब जगह टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना, तो टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं नहीं टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ नहीं पाए जाते, यूपी बिहार में टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे नीचे जा रहा है कितना, एवरेज ये जा रहा है 7 के आसपास और यहाँ पे हाई जा रहा है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट कोई बताएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट का एग्जांपल, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट नहीं, ये गंगेटिक प्लेन ही होगा, यूपी और बिहार में होंगे, राइट, यूपी और बिहार में ही होंगे,
ये वाला टेम्परेट फॉरेस्ट वाला रीजन, ठीक है, डेसीडुअस है ना, डेसीडुअस राइट, यूपी और बिहार इसका एग्जांपल है। आप देखो दूसरा आ जाते हैं ऊपर वाला ग्राफ देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहां पर क्या है टेम्परेचर हमेशा हाई बना रहेगा देखो, और बारिश बहुत ज्यादा होगी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां पे केरला में, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है ठीक है, और बारिश 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 से लेकर के 20 ग्रासलैंड का दे रखा है। तो ये सब क्या है, दो चीजें मिलकर के डिफाइन कर रही है, ये सब बायोम है, अलग अलग बायोम, समझ आया क्या मेरी बात, क्लियर है क्या? यस यस सर। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बना है, इसको आप जरूर याद रखना, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है सर। अमेज़न, हाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएंगे, एवरग्रीन में आगे देखो ना, हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है, हाई टेम्परेचर बना रहता है ना, और इक्वेटर के ऊपर है ना, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, यस सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमेशा इक्वेटर के ऊपर पाए जाएंगे ठीक है। अब मैं ग्राफ हटा रहा हूं ठीक है, अब देखो, अब जो मैं बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, वो एक्सक्लूसिवली क्या है, नीट के लिए है ना, मेजर डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, मेजर डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, तो हमने क्या किया है, इकोलॉजी को, पूरी इकोलॉजी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक ग्रुप, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक ग्रुप, तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के बेस पे है ना, हमने इसको डिवाइड कर लिया, ये दो कैटेगरी में, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी है ना, तो एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप बना दिया प्लांट इकोलॉजी का, हमने कहा प्लांट इकोलॉजी, और दूसरा एनिमल इकोलॉजी, लेकिन ये बहुत पुराना पैटर्न एनिमल इकोलॉजी, तो पहला तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बेस पे इकोलॉजी को डिवाइड किया गया, दूसरा हैबिटेट के बेस पे, हैबिटेट क्या होता है कोई बताएगा, बेस्ड ऑन हैबिटेट, दूसरा सर एक स्पीशीज जहां पे रिसाइड करती रहती है, राइट, स्पीशीज क्या ऑर्गेनिज्म बोलो है ना, तो कुल मिलाकर के हैबिटेट वो जगह होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, अपने फूड को सर्च करता है और रिप्रोडक्शन करता है, इन तीनों एक्टिविटी को मिला करके ये हैबिटेट होता है ना, तो अगर कोई दिल्ली का रहने वाला है तो वो दिल्ली का हैबिटेट हो गया, घर को हैबिटेट नहीं करते, घर को निश कहते हैं ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हैबिटेट के बेसिस पे तो सबसे पहले हो गया हमारा फ्रेश वाटर इकोलॉजी, पॉन्ड लेक सब इसमें आ जाएंगे, फ्रेश वाटर इकोलॉजी सब कुछ इसी में रख दिया, सेकंड है बी मरीन इकोलॉजी, सी थर्ड है एस्टुरीज, एस्टुराइन इकोलॉजी भी है, ग्रासलैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी, तो ये इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये हैबिटेट के बेसिस पे जहां पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। थर्ड वाला जो इकोलॉजिकल डिवीजन है दैट इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हायरार्की के बेसिस पे बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये पूरा पूछा हुआ है नीट में, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है कई बार, बेस्ड ऑन ध्यान समझिएगा, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर, ओशियन मेराइन में आएंगे ना,
हाँ एक ही चीज हो गई। ठीक है, क्लाइमेट को हम एक्चुअली मरीटाइम क्लाइमेट ही बोलते हैं, उसे ओशनिक क्लाइमेट नहीं कहते हैं, है ना। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ओशियंस मरीन में आएंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मरीन में ही आएंगे। सॉल्ट वाटर मतलब होगा, मरीन का मतलब सीधे सीधे होगा सॉल्ट वाटर, मतलब इवन मरीन में ये भी आ जाएंगे जो सॉल्ट लेक्स है ना, वो भी आ जाएंगे, वो फ्रेश वाटर में काउंट नहीं करेंगे, है ना। यस सर। अब देखो ये, इसको हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया है फर्दर, तो पहला है ऑर्ट इकोलॉजी, ऑर्ट इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिर्फ इसमें एक ही इंडिविजुअल स्पीसीज लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है ना, और स्पीसीज का उसके एनवायरमेंट के साथ में क्या रिलेशन, यहां पर एक स्पीसीज को ही लेंगे, है ना, एक स्पीसीज और उसका एनवायरमेंट में, तो इंडिविजुअली एक स्पीसीज उसका एनवायरमेंट के साथ रिलेशन हम देखते हैं, इसको ऑर्ट इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी होती है, दूसरी होती है सिन इकोलॉजी, सिनिकोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक स्पीसीज को नहीं लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप और ग्रुप का एनवायरमेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन, इसको हम सिनिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फर्दर हम क्या करते हैं, सिन इकोलॉजी को फर्दर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं हायरार्की के बेसिस पे, है ना, तो क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अब पहली क्या होती है, फर्स्ट आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरा होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, सेकंड कम्युनिटी इकोलॉजी, थर्ड बायोम इकोलॉजी, फोर्थ इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इसको हमने चार लेवल पे डिवाइड किया है। ठीक है, नोट कर लो, फिर लिखवा देता हूं मैं, ऑर्ट इकोलॉजी क्या होती है, सिन इकोलॉजी क्या होती है। सर, हाँ जी बेटा, सर ग्रासलैंड के ऊपर क्या लिखा है सी पार्ट पे, एस्टुरीज, ESTURIES, ओके सर, ESTURINE, सॉरी RI, एस्टुरीन, एस्टुरीज जानते हो क्या होता है, एस्टुरीज पता है, बोलो भाई एस्टुरीज क्या होती है, अरे एस्टुरीज नहीं पता सर, वाटर बॉडी होती है ज्योग्राफिकल में, अरे तो पता है हमको भी होती क्या है, लेकिन केरला में खूब है, अरे जिसको बैक वाटर कहते हो वो एस्टुरीज ही होता है, जहां पर रिवर और ये ओशन दोनों मिलते हैं, सैलिनिटी वहां कम हो जाती है, उस एरिया को एस्टुरीज कहते हैं। ठीक है, यस सर, एस्टुरीज पढ़ा था ना मैंने 11th में, बताया था एनिमल क्लासेस में कि लैम्प्रे एक फिश होती है ना, yes, sir. कहां पाई जाती है, ओशन में, वो लेकिन वो क्या होते हैं स्पाउविंग करने के लिए कहां पे आ जाती है, एस्टुरीज में, और वापस जब जोड़ के जाती है तो दो तीन दिन उनकी डेथ हो जाती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद है ना, यस सर, याद रखा करो। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए ऑर्ट इकोलॉजी, अब ये नोट करवा देता हूँ, ये तो खैर आप समझ गए होंगे, ऑर्ट इकोलॉजी, इन दिस वी स्टडी ऑर्ट इकोलॉजी, इन दिस वी स्टडी रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज टू इट्स एनवायरमेंट, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज टू इट्स एनवायरमेंट। Full stop. In this approach, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ स्टडी क्या है ऑर्ट इकोलॉजी, अब अगर आपको नहीं पता ऑर्ट इकोलॉजी क्या है, ये किसको पढ़ते हैं, तो आप फिर टंग गए वहीं पे, इसीलिए लोग इकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं कर, इकोलॉजी दो चीजों पे,
कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी, बस दो ही चीज पे बेस्ड है इकोलॉजी और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी, दो चीजें बस आपको क्लियर करके रखना, बस ज्यादा नहीं करना। क्वेश्चन बड़े होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन पढ़ेगा। इकोलॉजी क्वेश्चन देखा, पता लगा दो एक पेज में तीन ही क्वेश्चन, अब आपका भी दिमाग खराब हो रहा है, यार एक पेज में तीन क्वेश्चन बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है क्या, इसी में खराब। लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको अगर कॉन्सेप्ट और टर्म आपको क्लियर है तो आप तुरंत उसका आंसर दे देते, इसलिए घबराना नहीं है। इकोलॉजी के क्वेश्चन करोगे तो फिर आदत पड़ेगी। इन दिस वी स्टडी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज टू इट्स एनवायरनमेंट, फुल स्टॉप। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल स्पीसीज, अंडरलाइन करो, इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल स्पीसीज इज यूनिट ऑफ स्टडी, इंडिविजुअल स्पीसीज इज यूनिट ऑफ स्टडी, अंडरलाइन, इंडिविजुअल स्पीसीज इज यूनिट ऑफ स्टडी, फुल स्टॉप। हियर वी स्टडी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी स्पीसीज का कहां कहां पाई जाती। हियर वी स्टडी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा मॉर्फोलॉजी कॉमा टैक्सोनॉमिक पोजिशन, टैक्सोनॉमिक पोजिशन एंड लाइफ साइकिल, टैक्सोनॉमिक पोजिशन एंड लाइफ साइकिल। सर हियर से एक बार रिपीट कर। हियर वी स्टडी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमिक पोजिशन एंड लाइफ साइकिल। नेक्स्ट सिन इकोलॉजी, दिस इज आई अप्रोच, दिस इज आई अप्रोच वेयर यूनिट ऑफ स्टडी, अंडरलाइन करो, यूनिट ऑफ स्टडी, यही दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ स्टडी इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन फोर लेवल, ए पॉपुलेशन इकोलॉजी, अभी लिख लो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, कम्युनिटी बायोम और इकोसिस्टम, नोट करो पॉपुलेशन इकोलॉजी। हियर द यूनिट ऑफ स्टडी इज इंडिविजुअल, अंडरलाइन, हियर द यूनिट ऑफ इंडिविजुअल, यूनिट ऑफ स्टडी इज इंडिविजुअल स्पीसीज, दैट इज पॉपुलेशन। हियर The unit of study is individual species, that is population, full stop. Population is studied in terms of, population is studied in terms of size, growth rate, etc. Next point, in population ecology we study competition, competition ज्यादा होगा तो population कम होगी, competition कम होगा तो population ज्यादा होगी। In population ecology we study competition which define the density of population, स्टॉप, इसी में लिखेंगे। वी ऑल्सो स्टडी प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप, वी ऑल्सो स्टडी प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप। तो पहला हो गया पॉपुलेशन इकोलॉजी, नेक्स्ट आ जाता है सर। हाँ सर, लेकिन पॉपुलेशन
पॉपुलेशन तो एक स्पीशीज के अंदर होती है ना, मतलब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन कहते हैं, तो उसमें प्रे और प्रेडेटर दोनों कैसे आ गए? भैया देखो, पॉपुलेशन में आप क्या देखते हो? अभी हमने एक टर्म यूज किया डेंसिटी, वो तो देखते नहीं देखते हैं, है ना? यस सर, नंबर इंसानों की बात कर लीजिए, आप कहते हो केरला इज द डेंसिटी स्टेट, है ना? और फिर आप कहते हैं यूपी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये तो कहते हो ना, है ना? लिस्ट यस तो पहले ये किससे डिफाइन करेगी? कंपटीशन। सर, ये कंपटीशन हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात कर रहे हाँ हैं। तो पहले तो ये देखो ना, पहले तो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। कंपटीशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या होगी? कम कम हो होगी, जाएगी। इनवर्सली रिलेशनशिप है। दूसरा अब आते हैं प्रे प्रीडेटर, समझना। अब क्या है कि प्रे है लॉयन, अभी हम डियर की बात करें, और प्रीडेट, ठीक है सॉरी, अरे प्रीडेटर है लॉयन और प्रे कौन है? डियर। अगर लॉयन के नंबर उस एरिया में ज्यादा है तो डियर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रीडेटर नहीं है वहां पे, रिमूव हो गए हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर, लेकिन ये तो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ना, यहाँ तो हम एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं, हाँ तो तो ये हम तो तो हम वो सब फैक्टर भी काउंट करेंगे ना, तभी तो हमने स्पेशली अलग से लिखवाया। यहाँ पे हम वो भी फैक्टर काउंट करेंगे ना कि कौन कौन सी चीजें ओके हैं जो उस सर। पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती हैं। सर तो कंपटीशन की जहां बात आई थी वो इंट्रा स्पेसिफिक था, फिर ये प्रे प्रेडेटर वाली इंटर स्पेसिफिक हो गई। ये बिल्कुल, ये क्या है ना कि अब इसको हम फैक्टर में काउंट कर लेंगे एक्चुअली यहाँ पे, है ओके सर। ना? द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, समझ गए? यस सर, यस। सेकंड आ जाते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी नोट करो, हियर द यूनिट ऑफ स्टडी आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हियर द यूनिट ऑफ स्टडी हियर द यूनिट ऑफ स्टडी आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज belongs to different species of plant as well as animal, different species of plant as well as animal. Next point, here we also study the diversity of organism. Next, biome ecology. Sir, ये जो आपने अभी लाइन बोली है, we also study the diversity, ये एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। डायवर्सिटी का मतलब बेटा क्या होता है कि सपोज दैट कि कम्युनिटी में क्या हो गया, बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई, है ना? ये P1 पॉपुलेशन हो गई, P2 पॉपुलेशन हो गई, है ना? तो हमने देखा कि कम्युनिटी इकोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पर इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी, है ना? तो एक कम्युनिटी ये हो गई, एक दूसरी कम्युनिटी ये हो गई, है ना? अब इस कम्युनिटी में क्या होता है कि चार ही तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, काऊ, डॉग, ह्यूमन, पैरेट, है ना? दूसरे वाले में क्या होगा, बहुत सारे, है ना, बर्ड्स भी हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल भी हैं, काऊ भी है, डॉग्स भी है, ह्यूमन भी है, फिशेस भी हैं, है ना, बैट भी है, बहुत सारे, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच की क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि ये वाली जो कम्युनिटी है, इस वाली कम्युनिटी को क्या कर रही है, ज्यादा पुश कर रही है ना, इस वाली कम्युनिटी को पुश करके आउट कर रही है, अलग कर रही है। तो हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा है ना, इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल। तो डाइवर्सिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, ओके सर, है ना? तो कम्युनिटी में जिसमें पॉपुलेशन, तो बताओ स्टेबल ज्यादा कौन होगा, बता सकते हो? ज्यादा डाइवर्सिटी वाली की कम डाइवर्सिटी वाली? ज्यादा डाइवर्सिटी। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजी विल बी मोस्ट स्टेबल, है ना, जिसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। समझो मेरी बात को, आदमी चेन्नई में जाता है, आप नॉर्थ इंडियन, आप जो लोग चेन्नई में जाता है परेशान हो जाता है, ठीक है, उसका वेट 10-20 किलो कम हो जाता है, बोले खाना नहीं चाहिए, एनवायरमेंट नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, स्टाइल नहीं चाहिए, क्योंकि आदत तो हमारी अलग है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। केरला चला जाता है, बहुत मुश्किल, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो भी मुश्किल में आ जाएंगे, या नॉर्थ ईस्ट के लोग या साउथ इंडियन लोग वो नॉर्थ में आ जाते हैं वो भी परेशान करते हैं, ठीक है। तो क्या है, फूड की डाइवर्सिटी कम है केरला में, वो केरला का ही कस्टम फूड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उनका अलग कस्टम फूड है, लद्दाख में चले उनका अलग कस्टमाइज फूड है, सब जगह की अलग अलग कस्टम है। लेकिन भाई साहब पूरे कंट्री का आदमी आकर के दिल्ली में अगर रह जाता तो वहीं पे रह जाता, यू विल गेट ईच काइंड ऑफ द फूड वॉट एवर यू वॉन्ट, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, इसीलिए, sir. इसीलिए वो एक सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। आप देखिए, समझ में आएगी नहीं, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। मुंबई जाके लोग ज्यादा जॉब करते हैं, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा कॉम्पिटिशन है, वहां दिल्ली में ज्यादा कॉम्पिटिशन है, क्यों? क्योंकि उस इको सिस्टम में डाइवर्सिटी, फूड की डाइवर्सिटी ज्यादा है, जॉब्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है, यही हाल मुंबई का भी है। तो जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सिर्फ टर्म समझते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। बायोम इकोलॉजी क्या मतलब हुआ? देखो हम यहां पे पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने बायोम हैं, क्या मतलब हुआ? अच्छा आप मुझे एक ऐसी जगह बताओ पूरे अर्थ में जहां पर एक ही पॉइंट पे रेगिस्तान भी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है और लद्दाख की तरह आइस कैप्स भी है, एक ही पॉइंट पे है कोई ऐसी इकोलॉजी इकोसिस्टम? तीन तरह के बायोम है, टुंड्रा, ट्रॉपिकल और डिजर्ट, तीनों बायोम एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे, कोई बता सकता है? एनी बायोम, सिंगल बायोम ऑन द अर्थ जहां पे तीनों तरह की कंडीशन से अप्लाई, बोलो भाई, अरे कोई नहीं, याद रखना पूरे अर्थ में एक अकेली ऐसा एक ही इकोसिस्टम, इसका नाम सुना हुआ है, किलिमंजारो का नाम सुना है? यस सर। कहां पर है सर? अफ्रीका। किलिमंजारो की हाइट इतनी ज्यादा है और इक्वेटर के ऊपर है, इसका जो बेस वाला पार्ट है पूरा डेजर्ट, इसका जो मिड वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जबरदस्त बारिश होती है, लेकिन बारिश के जो बादल होते हैं उससे ऊपर नहीं उठ पाते, और टॉप का जो पार्ट है वो इतनी ऊंचाई पे है कि वहां पे पूरे में इतना टेम्परेचर लो हो जाता है, हाइट ज्यादा होने की वजह से, कि वहां पे परमानेंटली आइस कैप्स जमे रहते हैं। किलिमंजारो अकेला एक ऐसा माउंटेन है जहां पे तीनों तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं एक ही पॉइंट पे इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि इक्वेटर में और कहीं पर बर्फ जम ही नहीं सकती, आइसफॉल हो ही नहीं सकता, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ऊपर टुंड्रा। अब बायोम इकोलॉजी में हम देखेंगे कैसे कैसे बायो, राजस्थान में सब डेजर्ट थोड़े ना है, थार वाला पार्ट वो डेजर्टिक है ना, और जैसलमेर वैसलमेर ये सब बीकानेर ये वाला पार्ट क्या है, सेमी एरिड कंडीशन आता है, वहीं पर आप ये वाला जयपुर जोधपुर उदयपुर आ जाओ, ये इसमें आ जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ जाएगा, ट्रॉपिकल एरिया में आ जाएगा। तो तीन अलग अलग तरह के बायोम राजस्थान में भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये हम सब बायोम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, नोट करो, एज ए यूनिट हियर वी स्टडी different community some in their climax stage and others in some are in their climax stage and so other climb. climax
CLIMAX क्लाइमेक्स, अभी बताता हूँ क्या है. सम आर इन क्लाइमेक्स स्टेज एंड अदर्स आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सक्सेशन. देखो पाइनियर स्टेज का, तो सबसे पहले प्लांट में कौन आए थे? एल्गी. तो सबसे पहले हमने कहा वो पाइनियर हो गए. फिर ब्रायोफाइट आए, फिर उनसे एडवांस टेरिडोफाइट आए, फिर उनसे जिम्नोस्पर्म आए, फिर उनसे एडवांस एंजियोस्पर्म आए. अब एनजीओ की बात करिए, एनजीओ को क्या बोलेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है. और एल्गी के बाद ब्रायो का आना, ब्रायो के बाद टेरिडो का आना, टेरिडो के बाद जिम्नो का आना, जिम्नो के बाद एनजीओ का आना, ये क्या है? सक्सेशन है ना. तो जब हम कोई भी बायोम पढ़ते हैं तो उस बायोम में देखते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटीज को भी स्टडी करते हैं और उन स्टडीज को उनको भी स्टडीज करती है जो अलग अलग स्टेजेस में होती है. समझ गया? समझ में आई क्या मेरी बात? यस. ठीक है, ये सक्सेशन में पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ये पूछा भी जाता है, बोर्ड में बहुत आता है. जीरो सीयर, हाइड्रोसियर, ये बहुत आता है. सर इसको पढ़ के कंक्लूजन क्या आता है? इसको जैसे डाइवर्सिटी में हमने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था. हाँ, तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे कैसे एनिमल अडॉप्ट करते जाते हैं, एडेप्टेशन किन में होता जा रहा है. ठीक है ना. जैसे क्या कि आप ये देखोगे कि धीरे 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 क्या हो रहा है, जो थार वाला एरिया ना राजस्थान को बढ़ रहा है, उसकी लिमिटेशन बढ़ रही है. देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? yes, है ना. जैसे जैसे उसकी लिमिटेशन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वहां का वेजिटेशन और एनिमल्स क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे. कैसे? जो लोग ड्राई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते एनिमल, वो सस्टेन होना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे. है ना. हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम क्या बोलते हैं, हम पर्टिकुलर बायोम कैसे कैसे चेंज हो रहा है और वो कैसे कैसे सक्सीड कर रहा है. अब क्या होता था, हमने कहा कि पहले यहाँ पर ये एनिमल पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते. क्यों भाई? बोले क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई. कैसे चेंज हो गई? बायोम में चेंजेस आते. ओके सर. तो इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम देखते हैं एडेप्टेशन. पहली चीज तुमने क्या पकड़ी? इससे एडेप्टेशन. दूसरा क्या है? सक्सेशन में पहले के बाद दूसरे कौन से एनिमल आए. ओके सर. सर क्लाइमेक्स मतलब एंड स्टेज हुई ना यहाँ पे, मतलब. हाँ, क्लाइमेक्स फाइनल स्टेज होती. सर और एक और चीज सर, जो आपने कम्युनिटी इकोलॉजी में जो आपने स्टेबिलिटी बोला, स्टेबिलिटी ऑफ मतलब जो डाइवर आपने बोला डाइवर्सिटी याद होगी तो स्टेबिलिटी याद होगी, मतलब स्टेबिलिटी मतलब ये हो सकता है कि एक जो डाइवर्स ग्रुप है वो कितनी जल्दी एक्सटिंक्ट होगा. नहीं, ज्यादा डाइवर्स ग्रुप ज्यादा स्टेबल होते हैं, कम डाइवर्स ग्रुप कम स्टेबल होते हैं. सर वही पूछा, मतलब स्टेबिलिटी का है, मतलब क्या है कि वो जो उसमें जो फूड मतलब जो फूड चेन चलेगी, फूड चलेगी, वो ज्यादा दिनों तक चलेगी, ज्यादा टाइम तक चलेगी या फिर राइट राइट राइट. ठीक है ना. राइट. देखो अब एक ही जगह पे तुमने 10 एनिमल पाल रखे हैं, लेकिन एक घास खाता है, एक पेड़ों की पत्तियां खाता है, दूसरा सूखा वाला चारा खाता है ना. सबका फूड अलग अलग है, सबके तरीके अलग अलग है, वो सब एक साथ रह रहे हैं. तुम खुद ही देख लो, तुम एक साथ क्या बोलते हैं, कुत्ता भी पाल लो घर में, बिल्ली भी पाल लो, है ना, रैबिट भी पाल लो, है ना, अलग अलग टाइप के एनिमल पाल लो, वो सब रह जाएंगे. ठीक है. तुम भला एक ही टाइप के एनिमल पाल के दिखाओ, वो सब आपस में लड़ाई करते रहेंगे हमेशा, हमेशा कुछ ना कुछ करके रखेंगे. ठीक है. ज्यादा कुत्ते तुम्हारे घर में हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, ज्यादा देर तक नहीं स्टेबल हो पाएंगे. तो वो स्टेबल सिस्टम नहीं होता है. और सबकी डिमांड रीजन क्या होता है, तुम फूड डालोगे तुमको ज्यादा फूड देना, फूड की सप्लाई जैसे बंद हुई आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट एक ही, सबको स्पेस एक ही जैसा चाहिए, है कि नहीं? सर, यस सर. और एक और चीज, मतलब इसमें तो फिर दोनों चीज, दोनों मतलब जितनी भी स्पीशीज एक डाइवर्सिटी बना रहे हैं, दोनों अगर दो ग्रुप्स हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं. ना ना, अगर कम भी है ना तो भी वो रह सकते हैं. ठीक है. लेकिन उनके क्या फूड और स्पेस उनका अलग रहा है, हैबिटेट और फूड अलग होना चाहिए, दो चीज अलग होनी चाहिए. हैबिटेट और फूड उनके अलग अलग होनी चाहिए तो वो रह जाएंगे. लेकिन अगर हैबिटेट क्यों, कॉम्पिटिशन सिर्फ दो चीजों के लिए ज्यादा, सबसे प्राइमरी कॉम्पिटिशन होता है दो स्पीसीज के बीच में, पहला फूड और दूसरा स्पेस के लिए. समझ गए? अब देखो. यस सर. हाँ, ये ह्यूमन, हमने अभी ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा था, उसको भी हम क्लाइमेक्स और सक्सेशन स्टेज में कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, लाइक रामापथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब सक्सेशन स्टेज है. और क्लाइमेक्स स्टेज होमो सेपियन होमो सेपियन, होमो सेपियन. यस. और देखो क्या हुआ, धीरे धीरे एनवायरमेंट भी चेंज हुआ,
एवोल्यूशन कैसे हुआ, एनवायरमेंट भी चेंज हुआ, रिक्वायरमेंट चेंज हुई, ये सक्सेशन ही है, ये ह्यूमन का सक्सेशन आप कह सकते हो। ओके सर। अब देखो, अब यहां पर फोर्थ आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी नोट करेंगे, इट इज द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन इकोलॉजी। इट इज द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन इकोलॉजी, फुल स्टॉप। हियर वी स्टडी, हियर वी स्टडी interaction of, here we study interaction of biotic and abiotic, biotic and abiotic component, biotic and abiotic component with each other. बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम देखते हैं कि इंसानों ने कैसे एनवायरमेंट को गंदा किया, खराब किया, और एनवायरमेंट ने कैसे इंसानों की हेल्थ को खराब कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इकोसिस्टम इकोलॉजी। आप कह रहे हो कि सर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग कौन फैला रहा है, इंसान फैला रहा है। कैसे फैला रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल से भी फैला रहा है और अपने डेवलपमेंट से भी फैला रहा है। तो इंसान ने एनवायरमेंट को अफेक्ट किया, एनवायरमेंट अब इंसान को अफेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, कोस्टल एरिया डूबते जा रहे हैं, आइसबर्ग मेल्ट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये क्या है, इकोसिस्टम इकोलॉजी, है ना। तो ये सबसे रिसेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। इसमें रट्टा नहीं मारना, बस समझते जाओ चीजों को, नोट करते हो समझते जाओ। अब आ जाते हैं भाई साहब, हैबिटेट जानते हो ना, हैबिटेट अभी तो मैंने बताया, हैबिटेट जहां पे ऑर्गेनिज्म के पाए जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, मतलब जहां वो रह रहा होगा, या तो खाने की सर्च में होगा, है ना, या वो रिप्रोडक्शन की सर्च में होगा, रिप्रोडक्शन में होगा, है ना। तो जहां पे ऑर्गेनिज्म के सबसे पाए जाने की उम्मीद हो उसको हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। आप भाई, आप मेरे से पूछो कि सर ये टर्टाइज कहाँ पाए जाएंगे, तो मैं बोलूंगा देखो अगर वो फ्रेश वाटर टर्टाइज है ना, तो वो यमुना या गंगा की बैंक में पाया जाएगा। आप बोलो कितनी दूर तक, मैं बोलूंगा 3-4 किलोमीटर इधर, 3-4 किलोमीटर उधर, इसके दूर कहीं नहीं दिखाई देगा, तो वो उसका हैबिटेट हो गया, है ना। अब हैबिटेट को, हैबिटेट के दो की एलिमेंट होते हैं, पहला है एबायोटिक। एबायोटिक का क्या मतलब हुआ, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो पहला है एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन आते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, और दूसरा क्या है सर, एयर भी आया ना, एयर भी आया। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, और कॉम्पिटिटर। नोट करो, फिर एक एक करके पढ़ा जाए।
नोट कर लिया? यस सर। अब ये समझने से पहले है ना, इसके सब फैक्टर आप हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर समझने से पहले आप मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट सर? व्हाट इज एनवायरमेंट? सर नेचर इन मतलब नेचर एक स्पेसिफिक डिफाइंड एरिया में अगर हम देखें तो। कोई इंसिया एनवायरमेंट क्या होता है सर? जहाँ पे सारी स्पीशीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। चलो नोट करो, most of definition define that the physical biological most of definitions define that the physical biological and chemical component physical biological and chemical component that influences the life of organism is called environment. Full stop. Next one. The term environment का मतलब होता है surrounding. The term environment means surrounding. The term environment means surrounding. Next point. Any external force. Substance or condition, which surround and affect, the life of organism, become factor of environment. Let's stop. This factor have been called environmental factor. Environment factor or ecological factor. अब मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं, है ना? तो एनवायरनमेंट जिन चीजों से मिलकर बना है उनको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर। तो आ जाते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है आपका क्या? टेम्परेचर। और हमने अभी देखा कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, तो वहां की रहने वाली जो पॉपुलेशन होती है, जो कॉम्पोजिशन होता है, जो इकोसिस्टम होता है, जो इकोलॉजी होती है, उसको सबको डिफाइन करता है ना?
टेम्परेचर चेंज हो जाए, कंडीशंस चेंज हो जाए। अब देखो क्या चीज है, टेम्परेचर कैसे डिफाइन करता है और कहां पे डिफाइन करता है, टेम्परेचर का इंपैक्ट कहां ज्यादा पड़ेगा कहां कम पड़ेगा, पहले मैं समझा देता हूं आपके लिए, समझो। देखो टेम्परेचर का जो इन्फ्लुएंस होगा वो लैंड पे ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी होगी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ये ज्यादा डिफाइन करेगा, समझो। क्यों भाई ऐसे क्यों बात है? ऐसा इसलिए है कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि लैंड मेनली बनी है सिलिका से, सिलिका की प्रॉपर्टी है होती है कि इसका रेट ऑफ क्या हीटिंग भी ज्यादा होती है और रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होती है। यही कारण है कि राजस्थान में, रेगिस्तान में जो थार है या सहारा है, वहां दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है और रात में भयंकर सर्दी पड़ती है। तो ये दोनों ड्रेस्टिक चेंज होने के पीछे रीजन क्या हो, क्योंकि सिलिका की रेट ऑफ हीटिंग भी ज्यादा और रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा, दैट इज द रीजन। तो लैंड में टेम्परेचर ज्यादा इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, वाटर में मतलब जो एक्वेटिक होगा है ना, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम मरीन भी हो सकता है, लेक का भी हो सकता है, इसको ज्यादा इन्फ्लुएंस टेम्परेचर में चेंज होने से नहीं होगा। क्यों? जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो वाटर का ना तो ज्यादा हीट ऑफ, इसलिए देखो ओशंस ना ज्यादा गर्म होते हैं ना ज्यादा ठंडे होते हैं, क्यों भाई? क्योंकि यहां पर क्या होता है, वाटर की रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग दोनों ही कम, ठीक है। तो और ऊपर से जो टेम्परेचर में चेंज होता है वो ऊपर वाली सरफेस में चेंज होता है, वाटर का जो इनर वाला सरफेस होता है उसमें बहुत कम चेंज होता है, इसीलिए टेम्परेचर एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी वाटर के इकोसिस्टम को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। समझ आई मेरी बात क्या? यस सर, तो नोट करिए टेम्परेचर में एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, पहली बात तो यही है, एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। And plains to mountain top, क्या मतलब हो? Temperature को और कौन influence करता है? And mountain from and plains to mountain top, plates to mountain top। देखो तो पहले तो मैंने आपको बताया कि temperature को कौन, किसी particular जगह की temperature को कौन influence करेगा, तो वो बात तय हो गई कि कौन इन्फ्लुएंस करेगा। तो सबसे पहली चीज जो इन्फ्लुएंस करने वाली है वो क्या है, लैंड है कि वाटर है, तो मैंने बताया कि लैंड ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। आप देखो ये अर्थ में बीच वाली लाइन जो है ये इक्वेटर होगी, जिसको आप जीरो डिग्री कहते हैं, ये इक्वेटर होगी, अब जीरो डिग्री कहते हैं, फिर 66 डिग्री, 33 डिग्री, 66 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री, ऐसे इधर भी, तो यहां पे ये आपका जीरो डिग्री हो गया जिसको हम इक्वेटर कह रहे हैं, और ये ऊपर क्या हो गया 33 डिग्री, 33 एंड हाफ डिग्री, और ये क्या हो गया 66 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ऐसे यहां पे 33 एंड हाफ डिग्री साउथ, ये नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ, फिर 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ऐसे ही 66 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। यहां पे आप टेम्परेचर ये किस बात पे भी डिपेंड करेगा, कैसे चेंज होगा,
हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाए तो भी टेम्परेचर गिरेगा और इक्वेटर से नीचे की तरफ आए तो भी टेम्परेचर गिरेगा। तो पहले तो ये डिफाइन करेंगे, पहले चीज कौन है टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करेगी, लैंड है कि वाटर है। दूसरा क्या है, कहां पर है इक्वेटर के किस पॉइंट पे, इक्वेटर से किस पॉइंट पे, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। तीसरा बात टेम्परेचर एक बात पे और इन्फ्लुएंस होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि किलिमंजारो में नीचे डिजर्ट है ऊपर आइस कैप है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ेंगे हाइट में भी बढ़ेंगे तो भी टेम्परेचर डाउन होगा, राइट। तो टेम्परेचर किस किस चीज पे वेरी करता है, वेरी करता है लैंड और वाटर पे वेरी करता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ कहां पर है उस पे वेरी करता है, और हाइट क्या है उस पे भी वेरी करता है ना। नोट करिए, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा एग्रेशन होगा, देख लो नीग्रोस, हाई टेम्परेचर, हाई हार्मोनल एक्टिविटी, हाई मेटाबॉलिक रेट, हाईली एग्रेसिव देगा। यूरोपियंस लो टेम्परेचर, लो मेटाबॉलिक रेट, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, राइट, और वो ज्यादा हमसे आपसे काम कर सकते हैं, उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, दे हैव मोर वर्किंग कैपेबिलिटी देन अस बिकॉज ऑफ ओनली टेम्परेचर। सर्दियों में हमारी भी हमसे ज्यादा काम करवा लो, गर्मियों में हम लोग उतना काम नहीं कर पाते। तो टेम्परेचर ह्यूमन की मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। नोट करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, इट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट्स एंड थ्रू इट्स मेटाबॉलिक रेट। कॉमा activity and other physiological function, activity and other physiological function of organism. तो temperature कैसे influence करता है, metabolic rate के through, enzymatic activity के through, physiological function, physiological function क्या हो गया, temperature जब high होगा तो birds में reproduction होगा, तो physiological function भी depend करते हैं temperature के ऊपर। आप देखो टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। एक होते हैं यूरीथर्मल और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल। सर मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी इसीलिए अग्रेसिव होंगे। वो हार्मोन्स वो हाइट हीट बॉडी में बढ़ेगी तो हार्मोन्स भी तो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे इसलिए अग्रेसिव। यस सर, ओके सर। देखो ना, आपने एक चीज देखा होगा कि गर्मी में आदमी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना। आप अगर गर्मी का टाइम है, ठीक है, मतलब समर्स के टाइम पे, तो लोग ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, जल्दी नाराज हो जाते हैं, है ना। और ठंडियों में नॉर्मली लोग रिएक्ट जल्दी नहीं करते, है कि नहीं? यस सर है। गर्मियों का टाइम है, कोई आदमी गर्मी से आया हो, आप उसको जरा से डिस्टर्ब कर दो, वो तुरंत आपसे लड़ाई करने लगेगा, है ना, क्योंकि सर्दियों में ऐसा नहीं होगा। तो वो टेम्परेचर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है और हमारी बॉडी की हीट, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, वो हर प्रोसेस को, पूरी जितनी फिजियोलॉजी, पूरे फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए हम सर्दियों में ज्यादा लेजी होते हैं। हाँ, इसीलिए हम सर्दियों में ज्यादा लेजी होते हैं। वो एक्चुअली क्या, टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमने तो पढ़ा हुआ ना 11th में कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मींस हाई रेट ऑफ रिएक्शन, लो टेम्परेचर लो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ये नेक्स्ट अच्छा, तो मैंने बताया यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। अब ये क्या होते हैं, देखो
इंसान आपको अफ्रीका में भी मिल जाएगा, सहारा में भी मिल जाएगा, जहां टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाता है। इंसान आपको ले लद्दाख में देख लो, 40 से नीचे चला जाता है, वहां भी मिलता है। साइबेरिया में देख लो, 50 तक चला जाता है माइनस, वहां भी मिलता है इंसान। तो इंसान +50 से -50 टेम्परेचर में सब जगह पाया जाता है। तो ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता है। देखो 100 डिग्री के डिफरेंस में इंसान बियर करने की कैपेबिलिटी, तब -50 से लेके +50 तक एवरेज टेम्परेचर। तो इसका मतलब इंसान कौन है? यूरीथर्मल। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हमको आपको नाइजीरिया भेज दिया जाए तो हम मर नहीं जाएंगे, बीमार भले ही हो जाएंगे। हमको आपको साइबेरिया भेज दिया है तो मरेंगे नहीं, बीमार भले ही हो जाएंगे। तो क्यों? हम अब क्या है? यूरीथर्मल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा टेम्परेचर की वाइड रेंज को बियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको यूरीथर्मल। दूसरे वो होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, बहुत शॉर्ट रेंज में पाए जाएंगे। स्पॉन्जेस 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर जहां पानी का होगा वहीं पाए जाएंगे, इसीलिए अटलांटिक ओशन में कभी स्पॉन्जेस नहीं पाए जाएंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस कितने कितने डिग्री में पाए जाते हैं। कोरल्स का भी यही हाल है, कोरल रीफ स्पॉन्जेस सब आपको ये मेडिटेरेनियन ओशन में मिलेंगे, या सॉरी पैसिफिक ओशन में मिलेंगे, ना अटलांटिक में मिलेंगे, ना आपको उधर कहीं पे और मिले आर्कटिक वगैरह मिलेंगे, ना अंटार्कटिक में मिलेंगे, क्योंकि ये कोल्ड वाटर में पाए नहीं जा सकते। फिशेस, आप अपने एक्वेरियम में 1 किलो आइस का टुकड़ा डाल दो, देखना सब मर जाएंगी। ये थोड़ा सा 50 डिग्री भी गर्म करके पानी डाल दो, मर जाएंगे। ज्यादा टेम्परेचर की वाइड रेंज टेम्परेचर वो झेलने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। तो वो कौन है? वो स्टेनोथर्मा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत टेम्परेचर में वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन को बियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मा। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव, a few organism can tolerate and thrive in a wide range of temperature. So tolerate and thrive, thrive, thrive in a wide range of temperature. They are called urethermal. Like example, humans, camel सहारा में, थार में भी पाया जाता है और साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है जहां टेम्परेचर लो है। नेक्स्ट, अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म majority of organism are restricted to a narrow range of temperatures. They are called stenothermal. They are called स्टेनोथर्मल। सर, इसका रिलेशन वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड होने से है क्या? हाँ, वो भी है। स्पॉन्जेस वो हम आगे पढ़ेंगे, स्पॉन्जेस और दूसरा हो गया कोरल, ऊपर मैंने बताया। सर, स्पॉन्जेस का टेम्परेचर क्या बताया था आपने? ये बेटा मिलेंगे 23 से 25 के बीच में, ऐसे ही कुछ यही हाल है इनका भी, कोरल्स का भी 23-25। इससे ज्यादा वाटर की अगर टेम्परेचर रेंज हुई तो ये वहां पे नहीं मिलेंगे आपको, है ना, इनके साथ है। राइट? यस। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर अफेक्ट रिप्रोडक्शन। और टेम्परेचर अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्ड्स में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा लो टेम्परेचर में। यही प्लांट के साथ भी आपने देखा होगा, है ना, कि प्लांट में फ्लारिंग कब होती है? रिप्रोडक्शन हाई टेम्परेचर में। कुछ लो टेम्परेचर में करते हैं वो सर्दियों में, उनमें फ्लारिंग होती है। जो हाई टेम्परेचर में करते हैं उनमें गर्मियों में फ्लारिंग होती है। ऐसे एनिमल्स के साथ भी है कि कुछ एनिमल्स के जो गोनट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं हाई टेम्परेचर,
कुछ के लो टेम्परेचर में मैच्योर होते हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है उसको भी एट टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। क्लियर? यस सर। नोट करो। समझ लगा, टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाए तो उनका रिप्रोडक्टिव टाइम चलते रहेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जल्द साइकिल बढ़ जाएगी, साइकिल स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। सर इसको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? किसने? ये टेम्परेचर वाले को। टेम्परेचर क्या है ये हमको पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एबायोटिक फैक्टर, पढ़ रहे हैं एबायोटिक फैक्टर कैसे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टेम्परेचर के दो जो हमने डिवीजन किए वो किस बेसिस पर करें? मतलब टेम्परेचर बियर करने की कैपेबिलिटी। ओके सर। यूरी और स्टर्न हो ना? यस सर। है ना, तो मैंने कहा यूरी थर्मल वो है इंसान -50 से लेकर +50 कुछ भी झेल सकता है। स्टर्नो थर्मल देखो सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है ना, इनके रेंज कम है। आप रिप्रोडक्शन है ना? यस सर। नोट करेंगे, फ्लावरिंग इम्प्लांट इज अफेक्टेड बाय, फ्लावरिंग इम्प्लांट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड थर्मो पीरियडिज्म। थर्मो पीरियडिज्म, अब क्या मतलब हुआ? आप कहते हो ना कि कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं वो कब होंगे? सर्दियों में। कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते, पढ़ा है ना? यस। लॉन्ग डे प्लांट वो कहाँ होंगे? गर्मियों के टाइम पे, है ना। तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है प्लांट के रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिनोलॉजी। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है? दैट इज फ्लावरिंग फंक्शन ऑफ क्लाइमेट। फ्लावरिंग फंक्शन, फ्लावरिंग फंक्शन ऑफ प्लांट लिख लो। साइकल्स ही बना कि मैचुरेशन ऑफ गोनड, जो मैं आपको बता रहा था अभी, एन एनिमल मैचुरेशन ऑफ गोनड सेक एंड सेक्स ऑर्गन कॉमा लिबरेशन ऑफ गैमीट takes place at particular temperature. Next point. Extremely high temperature causes stunning. Extremely high temperature causes stunning and finally death of plant. It is called heat injury. It is called heat injury. Sir, stunning मतलब रुक जाना ना?
स्टॉप हो जाना। हाँ स्टंट जिसको बोलते हैं, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना। ठीक है नेक्स्ट, टेम्परेचर अफेक्ट द ग्रोथ। लो टेम्परेचर ब्रिंग आउट, लो टेम्परेचर ब्रिंग आउट सच एज कोल्ड इंजरी, सच एज कोल्ड इंजरी, एज डेसिकेशन। डेसिकेशन जानते हो? डेसिकेशन एज इन डेसिकेशन, नोट कर लो, फुल स्टॉप। इन डेसिकेशन टिश्यूज आर डिहाइड्रेटेड, टिश्यूज आर डिहाइड्रेटेड एंड इंजर्ड, टिश्यूज आर डिहाइड्रेटेड एंड इंजर्ड, सूख जाना किसी चाहे लो टेम्परेचर से चाहे हाई टेम्परेचर से, फुल स्टॉप। चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी, एक चीज और लिख लो, चिलिंग इंजरी क्या होती है? चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी इज किलिंग ऑफ हॉट क्लाइमेट प्लांट, चिलिंग इंजरी इज किलिंग ऑफ हॉट क्लाइमेट प्लांट व्हेन, व्हेन they are, when they are exposed to low temperature, next freezing injury, sab terms yaad rakhna, freezing injury takes place when water become, freezing injury takes place when water become ice crystal in intracellular spaces. अब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आलू की फसल होती है ना नॉर्थ इंडिया में, यहां से लेकर के हिमाचल से लेकर के यूपी बिहार, जो आलू का जो एकदम फील्ड है यहाँ पे, जब आलू की फसल होती है तो उस समय यहाँ सर्दियां पड़ रही होती है, कई बार टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है कि उससे क्या होता है कि जो आलू के प्लांट होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होते हैं उनमें वाटर क्रिस्टल बन जाते हैं और पूरी फसल खराब हो जाती है। तो जब बहुत टेम्परेचर चला जाता है तो किसान क्या करता है, आलू के खेतों में पानी लगवा देता है, वहां पे पानी सप्लाई करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है रूट प्रेशर बढ़ता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो लोग ये ट्रेडिशनल, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल फ्रीज इंजरी से बता रहे हैं, तो लोग बोलते हैं ना पाला पड़ने लगा, इसका मतलब होता है फ्रीज इंजरी, राइट? तो ये क्रॉप्स को बहुत इंफेक्ट करता है। ऐसे चिलिंग इंजरी जो हायर एल्टीट्यूड पे प्लांट वगैरह पाए जाते हैं वो चिलिंग इंजरी से खराब हो जाते हैं, है ना? इसीलिए ग्राउंड के जो लैंड प्लांट होते हैं उनको भी माउंटेन्स पे उगाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, नोट नोट करके, ये क्वेश्चन पूछा होगा क्वेश्चन है। हाँ सर, जैसे अगर बहुत कोल्ड क्लाइमेट है तो उसमें इंसान का जो ब्लड होता है वो भी जम जाता है, फिर वो इतना जम जाता है तो नर्व्स को काट भी देता है, उसको ये कहते हैं? बिल्कुल, न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगते हैं। सर वो भी इसी में है ना कुछ और नाम है? वो इसी में आता है, फ्रीजिंग, फ्रीज इंजरी में आता है, फ्रीजिंग इंजरी होती है ना, जिसको फ्रॉस्ट फ्रीजिंग ऐसे कुछ करके उसके लिए टॉप भी है, फ्रॉस्ट वाइट। हाँ फ्रॉस्ट बाइट, मतलब वो कहते हैं हाँ ब्लड जम की क्रिस्टल बन जाता है फिर। हाँ ये एक्चुअली किर्गिस्तान वगैरह में लोग ऐसे डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं, किर्गिस्तान वगैरह में, वहां पे ये जो लिप्स वगैरह होते हैं ना इन पे आइस के क्रिस्टल जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरे फट जाते हैं। ठीक है,
और नाक वगैरह भी उनके वहां पे जमने शुरू हो जाती है, तो फ्रॉस्ट से बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहां पे किर्गिस्तान वगैरह में सर्दियों के टाइम पे। ओके सर, नोट करेंगे, कोरल्स स्टार बना के लिखेंगे, पूछा क्वेश्चन है, कोरल्स डू नॉट फ्लोरिस वेल व्हेन, कोरल डू नॉट फ्लोरिस वेल व्हेन वाटर टेम्परेचर गोज, व्हेन वाटर टेम्परेचर गोज बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, सम इंसेक्ट बर्ड बर्ड सम इंसेक्ट्स कॉमा बर्ड्स एंड मैमल इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बियर डार्क पिगमेंट। Then some species present in cold and dry climate. So temperature body के pigmentation को भी influence करता है, आपको पता है negroes वगैरह black इसीलिए होते हैं। ठीक है भाई? Yes sir. Yes. तो ये था हमारा ecology. टेम्परेचर हुआ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट। बाय।